आज जो है बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तह वाली बिरयानी। और इसकी फरमाइश जो की है वो मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने पुरजोर, जैसे तालियां होती है ना, पुरजोर फरमाइश की है कि बिरयानी बनाया ना अम्मी। और कोमल भी आ रही है और उसने भी कहा है कि कोमल अम्मी मैं बिरयानी खाऊंगी तुम्हारे हाथ की, बहुत टाइम हो गया है बिरयानी नहीं खाई। तो स्टार्ट करते हैं हम बिरयानी बनाना। तो आइए बताते हैं हम आपको तह वाली बिरयानी कैसे बनती है। आइए, ये मैंने 2 अदद प्याज ली है बड़ी, 1/2 किलो गोश्त है और 3 पाव चावल हैं। सेला की बिरयानी बनाते हैं हम, और सेला की बिरयानी बहुत लजीज लगती है, सबको पसंद आती है। और बासमती में हम पुलाव बनाते हैं क्योंकि उसकी खुशबू और उसका जो मज़ा होता है वो जायका होता है। बिरयानी के लिए सेला चावल यूज़ करती हूँ मैं, और ये सेला चावल अभी नहीं है, मैं निकाल रही हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो उसके लिए मैंने ये 5 टमाटर लिए हैं, इस तरह से मैंने उसे स्लाइस की तरह से काट लिया है। अच्छा, तो ये मैंने 6 अदद जो है लीमू लिए हैं, और लीमू को मैंने स्लाइस कर लिया है, 2 लीमू को स्लाइस किया है और 4 लीमू का रस मैंने शामिल किया है इसके अंदर। और ये हरी मिर्चें हैं, ये 1 बॉल भरकर है हरी मिर्चें, और इस तरह से एक कटोरी ले लें आप हरी मिर्चों को, इस तरह से कट कर लें बड़े बड़े पीस में। और ये कड़ी पत्ता है जो ड्राई है, ये मैंने लिया है, और ये गोश्त है, और ये लहसुन अदरक है, और इसमें ये दही है, और इसमें हम लेंगे 2 चम्मच, 2.5 चम्मच, 2.5 चम्मच लेंगे हम नमक, और हम लेंगे इसमें 2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, पहले ये डाल दूं, ये 3 चम्मच हम लेंगे कुटी हुई मिर्च, और इसमें इसे मैंने घर में कूटा है साबुत मिर्चों को लेकर। और ये मसाला जो मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं बिरयानी की, 3 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्ची ले ली हैं और इसे मैंने घर में कूटा है। और ये जो मैं तैयार कर रही हूँ, ये बिरयानी मसाला तैयार कर रही हूँ, एक्चुअली इसमें मैंने पीपरी ली है थोड़ी सी, बस ये थोड़ी सी पीपरी डलेगी, और ये गरम मसाला है जो हम थोड़ा थोड़ा शामिल कर लेंगे इसके अंदर, ये तोड़ के 5 अदद जो है वो मैंने ये ली है इलायची, सफेद इलायची ली है, और इसके अंदर ये काली मिर्च है। मैं सारी चीजें अलहदा अलहदा रखती हूँ क्योंकि ढूंढना ना पड़े, ये काली मिर्चें हैं, ये लौंगे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम गरम मसाला गरम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी इलायची है, इसकी एक बहुत बड़ी है, ये हार्ड होती है, ज़्यादा डालते हैं तो फिर वो गले में लगता है, गरम मसाला ज़्यादा हो जाता है तो गले में लगता है, तो अपने अपने टेस्ट के लिए है। और ये दालचीनी है, ठीक है, और ये बादियान के फूल हैं जो के टूट चुके नहीं है, इसमें साबुत वाले भी है, सही है, 2 फूल ले लिए हैं मैंने, मेरी लकड़ी चली गई तभी। और ये हैं तेज पत्ते, तब इसको मुझे साबुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो बस ये इस तरह से डाल दूंगी। बाद लोग कूट कर डालते हैं गरम मसाले को, कूट लेते हैं अच्छी तरह से अवन दस्ते में, तो इस तरह से भी डालते हैं, कुटा हुआ डालते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो निकाल निकाल कर फेंकते हैं ऐसे, तो जैसे मैंने पता नहीं क्या डाल दिया हो।
ये पिसा हुआ जीरा है, एक चम्मच इसमें डाल दिया। और ये जीरा जो है इसे भूनकर, छानकर, बीनकर, भूनकर, और मैं इस तरह से आधा पीस कर रखती हूँ, आधा साबुत रखती हूँ। और जीरा हो, सौंफ हो, साबुत सौंफ हो, साबुत जीरा और साबुत धनिया, इसे इसे आप जो है ना हमेशा साफ करके बीन कर, फटक कर, बीन कर उसको हल्का सा ना गरम कर लें। तो जब गरम करके आप उसको ठंडा करके जार में करके रखेंगे तो कभी उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये सेफ रहता है और फिर ज्यादा अरसा चल जाता है। वरना अमूमन अगर ऐसे ही रख दिया जाती है, कोई भी चीज अगर ऐसे ही रख दी जाएगी तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो मिर्चे वगैरह भी, जो सूखी हुई मिर्चें आती है बाजार से, पिसा हुआ धनिया, धनिया वगैरह आता है, राशन आता है, तो उसे छान बीन कर ही रखते हैं जार में, तो हमारा टाइम तक चलता है और जो है ना उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए जो है ना आप बनाकर मैरिनेशन करके इसकी रख देंगे ना। अभी तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो बस मेरे पास इतना ही है, टाइम नहीं था, क्योंकि इसको अगर हम बना के रख देंगे तो इसके सारे फ्लेवर जो है ना मिक्स करने का मतलब ये है कि इसे आधे घंटे के लिए अगर हम छोड़ेंगे, एक घंटे के लिए छोड़ देंगे अगर कि हमें शाम को बिरयानी बनानी है, तो इस तरह से मसाला हम बना के रख देंगे तो सारे जो फ्लेवर है ना वो एक साथ मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। ये देखिए मेरे पास ये हिसाब है पली का। अगर आपके पास पली नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी, ये मैंने 4 पली तेल लिया है। अगर गोश्त आपका चिकना है, रवाज वाला है, तो आप तेल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो ऑयल ऑयल ज़्यादा हो जाता है, तो ऑयली बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। अभी ये गर्म नहीं हुआ है तेल, क्योंकि तेल भारी होता है, जब गर्म होता है ना तो उसके अंदर एक लेयर्स बनना शुरू होती हैं, जब वो लेयर्स बन जाती हैं ना और आप चम्मच चलाएंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि वो हल्का हो गया है। जब हल्का हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए तेल और धुआं छोड़ दे तो चूल्हा जो है ना वो बंद कर देना चाहिए, और इसके अंदर कोई जैसे रोटी का टुकड़ा पड़ा हो पहले आप उसे डाल दें और उसे बाहर निकालें, जो उसकी तेजी होगी ना वो सारी निकल जाएगी। फिर आप अपनी जो भी डिश बना रहे हैं, कोरमा है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो वो आपका तेल जो है ना वो सही रहेगा, वरना हार्ड होने पर वो चीज़ें जला देता है, जैसे कि प्याज जला देगा एकदम से, अगर हमने मसाला ऐड किया है तो वो मिर्चे मसाला वो सब जला देता है, वो ख़राब कर देता है, तो आपकी डिश ख़राब हो जाती है। तो अभी ये कुकिंग ऑयल जो है ना वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, ये तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज थोड़ी सी भुज जाए के बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तो ये देखें आप, प्याज जो है वो हल्की हल्की मरने लग गई मरने लग गई है, इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। ये पुट का गोश्त है, पुट के गोश्त की बिरयानी पुलाव बहुत अच्छा बनता है, और अगर इसमें रवाज अलग से हो तो वो बहुत अच्छा होता है, मज़े की बिरयानी बनती है। इस तरह से ये सफेद हो जाएगा गोश्त, ये इस तरह से हो जाएगा ना, ऐसे सफेद हो जाता है। फिर इसमें हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट।
इसमें डालेंगे दो चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे दो चम्मच। ये हमने लहसुन अदरक के साथ भी इसे अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर ये बिरयानी का जो मसाला हमने बनाया था तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम दही भी हम साथ में ही डाल देंगे और इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है। दही को क्यों ज़रूरत नहीं है मैं बताती हूँ, क्योंकि बिरयानी में फेंट कर नहीं डालते हैं पुलाव में, और जैसे कोरमा बना रहे हैं और कोई आलू गोश्त बना रहे हैं तो उसमें हम दही फेंट कर डालें तो उसकी जो गुठलियाँ होती हैं ना, कुटकियाँ जो होती हैं तो वो नहीं बनेंगी, और इसमें हमें चाहिए जैसे, तो हम ये ऐसे करके डाल देंगे। ये एक पाव दही है और ये हमने ये जो बचाया है ना ये भी इसी में ही डलेगा लेकिन तेह में लगेगा, तो ये इसको हम साइड में रख देंगे, ये काम आएगा। और हम इस तरह से इसको अच्छा, शुरू में जो दही डालते हैं ना तो इससे गोश्त भी गल जाता है और मसाला भी अच्छा बन जाता है। ये इस तरह से आएगा, ये देखिए खूबसूरत लग रहा है ना, फटावा दही ठीक है ना, कुटकियाँ बनी हुई होती हैं तो वो खूबसूरत। अब हम इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आधा गिलास पानी है ये, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक गोश्त गलेगा, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो गलने में थोड़ा लगेगा, लेकिन ये आधा जब ये भुनने पर आ जाएगा। ये सेला चावल ले लिए हैं और ये मैंने 1 किलो लिए हैं। क्यों लिए हैं 1 किलो, क्योंकि मैंने आप सोच रहे होंगे कि आधा किलो गोश्त लिया है इन्होंने और 1 किलो चावल लिए हैं, क्यों किया है इन्होंने ऐसा, तो ऐसा मैंने यूँ किया है क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त जो है ना वो कम खाया जाता है और बच्चे ज़्यादा गोश्त वगैरह पसंद नहीं करते हैं तो बिरयानी पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं चावल अम्मी बढ़ा दो और गोश्त कम कर लेना, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चावल 1 किलो कर लिए हैं। ये जो मेरा जो मैंने तैयार किया है मसाला ये 1 किलो के हिसाब से है, अगर आपको क्वांटिटी आपको रखनी है तो आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है, 2 की जगह 1 प्याज ले सकते हैं, मिर्चें कम कर सकते हैं, 2 या 3 चम्मच ले सकते हैं, आपको आधा किलो चावल के हिसाब से लेना है तो, और आप अपने ऊपर मतलब डिपेंड करता है आपका मसाला मैटर ठीक है ना। मैंने जो आपको बताई है ना रेसिपी वो अपने मतलब हिसाब से बताई है कि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और आधा किलो गोश्त लिया है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। अगर आपको यही क्वांटिटी रखनी है तो आप उसमें मसाला यही रखिए, गोश्त बढ़ा दीजिए ठीक है, तो आपका मैटर बिल्कुल मतलब अच्छा सा बेटर आ जाएगा। तेल तेल सारा ऊपर रोगन आ चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट गाइस खुशबू बहुत मजे की आ रही है, देखिए कोई बोटी लें और ये इस तरह से करेंगे ऐसे ही, तो इसका मतलब ये गल गया ठीक है, ये चेक हो गया। अब इसके अंदर हमने जो अज्जा निकाले थे ये सारा इसमें डाल देंगे, पानी आ रहा है ना वो है खट्टा खट्टा लीमू, इतना सा पानी लेंगे इसके अंदर, ताकि रस निकल जाए। इसमें पानी नहीं डालेंगे हम, अब इस स्टेज पर आकर हम पानी शामिल नहीं करेंगे, मिक्स करके और आलू बुखारे भी डालते हैं इसी स्टेज पर, आलू बुखारे भी डालेंगे। मुझे चूंकि आलू बुखारे मुझे काले वाले अच्छे लगते हैं क्योंकि वो खट्टे होते हैं तो वो मिले नहीं यहाँ, तो मैंने लीमू डाल दिए हैं और वाइट वाले मैं यूज़ नहीं करती, तो आपको बता दूँ मेरी बच्चियाँ परेशान हो रही होंगी कि आंटी ने
आंटी जी ने जो है ना पली बता दिया है। अब पली तो है नहीं तो बिरयानी नहीं बना पाएंगे आप लोग, तो मैं आपको बताती हूँ कि पली का हिसाब और ये पली का हिसाब मैं आपको कब से बताऊंगी, ठीक है। तो ये एक पली हो गई, अभी बाहर गिर जाता तो ये हो गई दो पली, क्योंकि अपना अपना हिसाब होता है ना। अब किसी का पली का है, किसी का जो है ना वो कप का होता है, किसी का दूसरा कोई जो है ना चम्मच होता है गहरा सा, उस हिसाब से करते हैं। अब मैंने ये पली रखी है तो शुरू से पली का ही हिसाब है। कोमल के घर पे भी यही पली है, ये पूरा भर गया, बिल्कुल लबरेज हो रहा है तेल से, चार पली तेल। थोड़ा सा बड़ा कप ले रहे थे हमने भी छोटा ले लिया। इस स्टेज पर हम ये सब चीज मिक्स हो गई है और इसके अंदर पानी भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये अच्छी तरह से पक गए हैं, गोश्त भी गल गया है और अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बिरयानी बनाने के लिए, चावलों के लिए जो पानी लिया जाता है ना बॉईल करने के लिए, तो पुलाव बनाते हैं तो उसके अंदर हमें दुगना पानी लेना पड़ता है, चावलों के हिसाब से लेना पड़ता है। और जब हम बॉईल करके चावल निकालते हैं उसमें तिगना पानी और इसमें मैं नमक उसको बॉईल करने के लिए रखा, अभी मैंने चावल इसमें ऐड नहीं किए हैं, नमक डाल दूंगी मैं इसके अंदर। अपने हिसाब से रखिएगा नमक, 3, 4, 5, 6, 7, 9 चम्मच मैंने इसमें नमक लिया। मैंने नमक 9 चम्मच क्यों लिया है पहले मैं आपको ये बताऊं, मैंने 9 चम्मच इसलिए लिया है कि मैं यूज करती हूँ हब सॉल्ट, ठीक है। और जो लाहौरी नमक इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है तेज, तो उसे कम रखते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे साबुत, और इसमें डाल देंगे लौंग, 3-4 लौंगे डाल दें इसमें, और इसमें डालेंगे हम पुदीने की पत्तियां। अब ये जब खोल जाएगा तो इसमें हम चावल डाल देंगे। तो ये जो हमने दही बचाया था ये वो दही है, इसके अंदर मैं जर्दे का रंग है, ये दही में शामिल कर लेंगे हम। ये जायफल जावित्री है, ये थोड़ी सी डलती है, सू जरूरी है, ये इसमें डलती है, और जायफल जावित्री है, ये खुली नहीं अभी तक, ये बिरयानी एसेंस है, ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है, और ये सब एक साथ मिक्स कर दिया है, जायफल जावित्री कलर जर्दे का रंग मतलब, और दही में इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। ये जो हमने प्याज ये तली हुई है जो मेरे पास हमेशा और रखी होती है तली हुई, और ये हमने दो प्याज लिए थे उसमें सालन में डालने के लिए, तो और ये दो ही प्याज हैं तो तकरीबन 4 प्याज डलेंगे 1 किलो बिरयानी में। तो ये हम तह में लेंगे और तह लगाएंगे, जब हम लेयर्स लगाएंगे इसकी, तो ये हमें धनिया चाहिए और ये पुदीना बस। अब हम चावल की तरफ आते हैं, ये चावल है, इसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
डालेंगे प्याज, चूरना नहीं है ऐसे, ऐसे ही लेना है हल्के हाथ से। ये पुदीना है, ये धनिया है, फिर हम इसमें एक चावल लेंगे, एक लेयर चावलों की आएगी। अब ये एक लेयर उस चावलों की आ गई, फिर हमने ये लेयर्स लगाई, अब ये एक तरह से इसको हम इस तरह से इसको फैला दिया। हम ये सारे चावल लेंगे और इस तरह से गरम गरम हो रहे हैं चावल, अब हम इसके अंदर फिर से इसकी तह लगाएंगे और ये सारा हम इस तरह से अब हम इसको दम पे रख देंगे। इसकी थोड़ी मैंने आंच तेज की थी ताकि ये गरम हो जाए, अब हम इसको स्लो आंच पे रख देंगे दम पर। ये दम पर आ चुके हैं क्योंकि ये चावल देखें किस तरह के हो गए हैं, ये खड़े ऐसे बैठ जाते हैं। मैं मिक्स कर दूं, चारों तरफ से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आ गई है इसकी, नजर आ रही है इतनी प्यारी सी मजेदार सी बिरयानी लग रही है। तो जनाब तैयार है हमारी तह वाली बिरयानी, और आप इसे बताइएगा, बनाइएगा घर में और जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिले और तो आप ज़रूर मुझे मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से कोई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।